डिस्क्लेमर, यह एक बिहाइंड द सीन का वीडियो है, प्लीज़ ऑफेंड ना होए। यदि आप हो रहे हैं तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा इसमें एक जगह गाली आती है, तो कृपया कर बच्चों को ये वीडियो ना दिखाएं, और अगर आप बच्चे हैं और देख रहे हैं तो प्लीज़ ना देखें। मैं नहीं चाहता कि बाद में कोई आके मुझसे कहे कि मैंने गालियाँ सिखाई। बिहाइंड द सीन्स के साथ साथ इसमें मैंने अपनी कुछ पर्सनल थॉट्स शेयर किए हैं, एज वेल एज़ कुछ वॉइसेस ऐड की है ताकि ये मेरा खुद का रोस्ट कर सके। एंजॉय द वीडियो। हेलो गाइस, तो हाँ ये नया तरीका है जिसके थ्रू आवाज़ क्लियर आती है। दर्शकों कृपया ध्यान दें, आवाज़ क्लियर से मेरा मतलब हवा की आवाज़ के साथ साथ मेरी आवाज़ भी क्लियरली सुनाई देगी। थैंक यू। तो इसके लिए क्या करें, बजट कम है ना, तो डू इट योर सेल्फ DIY। एम्बेरेसिंग लाफ्टर हाइडिंग द रियल पेन। या सो दिस इज द पॉइंट वेर आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड माई न्यू कविता, दैट इज अगर एक गरीबी दोस्त से मोहब्बत हो जाए तो क्या होता है। वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी स्टूपिड लग रहा है, नहीं छलनी के साथ में ऐसे रिकॉर्ड करना। एक्चुअली ये छलनी भी नहीं है, ये क्या है, ये जो भी है, बट यकीन मानो प्यार में लोग इससे भी बढ़िया हरकतें करते हैं। एक्सपीरियंस है वो। बबीता जी सच कह रही है, पतियों को भी व्रत रखना चाहिए। मैं भी रखूंगा बबीता जी के लिए। बीप, तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द कविता। ये एंगल बेटर है। दिस मेक्स मी लुक लाइक एक परेशान सा बच्चा। बाद में। ये पीछे मेरी वर्क बेंच है और यहाँ नीचे लैपटॉप है जो मैं नहीं दिखा सकता, बुलशिट में दिखा सकता हूँ। ये क्या है बे? ओके नाउ बेटर। यहाँ पे कविता लिखी हुई है, तो बस अब वो लिरिक्स को पढ़ेंगे और कविता बोलेंगे। इसको मैंने दूर किया था, फिर से आ गया फ्रेम में। परफेक्ट। ठीक है सो लेट्स स्टार्ट। इसको सामने ले आते हैं। चलो आज ऐसे करते हैं, लेट्स सी हाउ दिस वन गोस। ये बीप का साउंड जानबूझ के डाला है ताकि ये कविता को मैं सेंसर कर सकूं, क्योंकि अभी सुन ली तो बाद में कहाँ आने वाले हो। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये वीडियो का फ़ायदा क्या है, चलो मैं चले जाऊं, तो यहाँ पे आप गलत हैं, क्योंकि अब मैं शुरू करूँगा एक टाइम लैप्स यानी कि फास्ट फॉरवर्डिंग, एक अच्छे गाने के साथ ना, एक ट्यून के साथ, या शायद इसी बीप साउंड के साथ। मजा आएगा। 1 2 3 गो। ओह सो एपिक इजंट इट मैन, लुक एट द हार्ड वर्क ऑफ द स्काई। आई थिंक इट्स टोटली गोइंग टू नेल इट इन द फ्यूचर। व्हाट डू यू थिंक? Boring, boring. Stay, stay. बस खत्म होने वाला है. Stay. Enjoy the feeling. Enjoy the feeling. Now. Oh, बाप रे. चलो गाइज, रिकॉर्डिंग तो हो गई है, ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द फाइनल वन, सॉरी एज आई वाज सेइंग कि चलो गाइज रिकॉर्डिंग तो हो गई है, ऑफ कोर्स दिस वाज नॉट द फाइनल वन। आई जस्ट रिपीटेड माई सेल्फ। एंड कभी कभी मैं वहाँ देख रहा हूँ तो यकीन मानो मैं खुद ही इस कैमरे के साथ एडजस्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ।
वैसे ये एक बैक आई मीन बिहाइंड द सीन रिकॉर्डिंग वीडियो है ताकि आपको एक आइडिया लगे कि हमारे जैसे स्ट्रगलर्स कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्वाइट ऑनेस्टली ये एक मोबाइल का माइक है, मतलब अपना जो हेडफोन्स होता है ना ये देखो। हाँ जैसे ऑडियंस को तो ये समझ में ही नहीं आया। वाह गरीबी वाले दिन चल रहे हैं यार, अब क्या बोले। विजय मिश्रा ब्लॉग्स के माइक मैंने फर्स्ट पोएट्री में यूज़ किए थे, ये फासले ही नज़दीकी है। उसके बाद साला लॉकडाउन आ गया, इसके लिए अब इनसे काम चलाना पड़ रहा है। वैसे स्पीकिंग ऑफ विच, बहुत जल्द ये कविता आप लोगों को सुनने मिलेगी प्रॉपरली, लाइक प्रॉपरली। द फक, मैंने माइक हिला दिया। आई हैड वन जॉब, लिटरली वन जॉब। प्रॉपरली प्रॉपरली ठीक है। एंड होपफुली जब ये आप सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से मेरे प्रोनाउंसिएशंस मिलेंगे एंड इनफैक्ट बहुत ज़्यादा फील भी होगा। ये वन ऑफ द फ्यू फर्स्ट ट्रायल रन्स है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कविताएँ वैसे नहीं बोल पाता जैसे बड़े बड़े कवि या इवन एक मैच्योर कवि बोल पाता है। वैसे नहीं बोल पाता जैसे बड़े बड़े कवि या इवन एक मैच्योर कवि बोल पाता है। कुछ भी कुछ भी। आई एम मोर लाइक यार नॉर्मल लोग हैं अपन, क्या है अच्छा लगता है लिखना, लिख देते हैं। या एक्सक्यूजेस अपनी अपनी स्ट्रगल है एंड ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। ओके सो नाउ यू आर गोइंग टू डिफाई माय लाइन ऑफ नो एक्सक्यूजेस। नाइस। ऑब्वियसली अगर मेरा कंटेंट इज नॉट अप टू 100% एंड आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो ताकि मैं उस पर इम्प्रोवाइज कर सकूँ। अभी आई गेस इस कविता को वापस से मैं कुछ 10-15 बार तो और करूँगा ताकि एक्चुअली वो थोड़ा बहुत फ्लो बैठे। अभी फिर भी काफ़ी बेटर किया मैंने आई फील। ये फासले ही नज़दीकियाँ हैं वो इज़ अ नाइटमेयर टू रिकॉर्ड, क्योंकि हर बार यू नो कुछ ना कुछ गलत हो रहा था। एक बार तो लिटरली ऐसा लग रहा था कि मैं कोई लेटर पढ़ रहा हूँ। बिना स्क्रिप्ट के बिहाइंड द सीन जाने का है ना यही पंगा है। आपको पता ही नहीं होता है कि आपको ऑडियंस को क्या क्या देना है, बस जो मन में आता है वही बोलते जाते हो। ओह बिना स्क्रिप्ट, ये इतने बार नीचे देख रहा है, आई थॉट तू पढ़ के बोल रहा है। गॉड किड्स दीज डेज माय गॉड। हाँ खैर क्या ही करें, बट हाँ मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि हमारे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने इतना प्यार दिया है, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप लोगों के बिना आई डोंट थिंक कि मैं ये कविताएं बना रहा होता। एंड आई रियली 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 लव यू ऑल एंड मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अपना बेस्ट कंटेंट आप लोगों के सामने ला सकूँ। एंड आई होप कि मैं आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही बट एंटरटेन तो कर पा रहा हूँ। एंड हाँ मैं रेगुलर नहीं हूँ, उसके पीछे का रीज़न ये है कि ऑफिस का वर्क ज़्यादा है एंड आपको एज अ क्रिएटर यू नो आपको मोटिवेशन ज़्यादातर मिलती नहीं है। एंड स्पेशली जब आप नया नया स्टार्ट कर रहे हो तब तो ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उतने रीचेस नहीं होते, उतने कमेंट्स नहीं होते हैं, या कभी कभी आपको लगता है कि यार मेरा ये वीडियो बहुत ही कमाल का है बट यार रिस्पॉन्स इतना कम क्यों है। तो वो सारी चीज़ें रहती है, तो वो सब फैक्टर्स भी थे कहीं ना कहीं। बट अब कोशिश यही है कि भाई कुछ नहीं तो कविताएं बोलें, वो भी अपनी लिखी हुई। वैसे कविता लिखने का मज़ा अपना ही अलग है, कुछ भी बोला इट्स लाइक यू नो यू कैन बी जस्ट यू एंड पुट वॉट एवर द हेल यू वॉन्ट इन अ ऑब्वियसली रिदमिक वे, तभी तो वो कविता ज़्यादा लगती है। वैसे आप लेटर भी लिख सकते हो एंड देन यू कैन लिटरली रीड द लेटर्स ऑल्सो, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग जो मैं शायद फ्यूचर में करूँगा। एंड देखते हैं, अभी कुछ फिक्स नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा बिहाइंड द सीन्स वीडियो था ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया लगे कि हम लोग कविता कैसे रिकॉर्ड करते हैं जब हमारे पास फेंगे वाले माइक्स नहीं होते तो। एंड ये बाय द वे सिर्फ मेरा हाल नहीं है, ये आई गेस उन सभी लोगों का हाल है हु हैव जस्ट स्टार्टेड, जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब इससे आप चाय
बनाने आई मीन चाय पीने के जस्ट पहले वो टोपिए से चाय को जब चाय के कप में डालते तब इसको यूज़ करते हैं। एंड फिलहाल ये यूज़ हो रहा है ताकि आवाज़ थोड़ी फिल्टर होके आ सके। तो हाँ, होम रेमेडीज है, अभी बस जल्दी जल्दी इसको भी बनाना है। एंड हाँ, बाय द वे एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, और वो ये है कि 27 जून 2020 को मेरी नई कविता आ रही है विच इज़ कॉल्ड भूले तो जाएंगे। ये जो बिहाइंड द सीन वीडियो आप देख रहे हो ये एक दूसरी कविता का है जो उसके बाद आएगी। कब आएगी ये मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा, बट अभी के लिए द बिग न्यूज़ इज़ कि दूसरी कविता पे काम शुरू हो चुका है और इसके पहले वाली जो है वो तैयार हो चुकी है आप लोगों के लिए। एंड 27 जून 2020 को वो आपके सामने होगी, तो मैं अब आपसे उस कविता में मिलूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखे, अपने परिवारों का ध्यान रखे, अपने परिवार वालों का ध्यान रखे। ये मेरे साथ बहुत होता है, प्लीज़ पार्डन मी, मैं कभी कभी एक ही सेंटेंस ऊपर बोल देता हूँ। एज लॉन्ग एज यू मीन कभी कभी इक्वल्स टू मैनी टाइम्स, यू आर राइट, वर्किंग ऑन इट। हाँ, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि तब तक जब तक मैं अब आपसे दोबारा नहीं मिलता, अपना ध्यान रखिए, अपने खास वालों का ध्यान रखिए। सी रिपीटिंग अगेन, और क्या बोलते हैं इसे टाइम पर, हाँ ये कर ले पहले। अरे भाई करना क्या चाहते हो, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अब मैं आपसे मिलूंगा अगली कविता के दौरान। तब तक के लिए टेक केयर, अपना भी ध्यान रखो, अपने आजू बाजू वालों का भी ध्यान रखो, और गो कोरोना गो को रिमिक्स पे सुनते रहो। कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना। एंड अगर आप बहुत ज्यादा ही बोर हो रहे हो तो वीकेंड प्रोडक्शंस को सर्च करो, या बेहतर है जिंदगी कभी लेट कभी शिट को सर्च करो एंड हैव सम फन यार। और हमारा फोर्थ वाला वीडियो देखो, उस पे लाइक्स बहुत कम है, व्यूज भी बहुत कम है, तो जिन्होंने नहीं देखा ना प्लीज़ जरा जाओ देखो, लाइक्स करो, कमेंट करो। जिंदगी कभी लेट कभी शिट चैनल के ऊपर जो है जिस पे वो अपलोडेड है वहाँ पे हमने एक सीक्वेंस में ये डाला हुआ है आप लोगों के लिए कि आप लोग सारे वीडियोस को लाइन से देख सकते हैं। एपिसोड 1 ख़त्म होगा तो 2 स्टार्ट होगा, 3 फिर 4 प्लेलिस्ट। तो जाओ यार जल्दी जाओ, एक्सप्लोर करो, कम ऑन गो फटाफट, जाओ 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 जाओ, मेरे को कविता ख़त्म करनी है। बाय बाय।